हैं। मुख्यमंत्री सुबह 11:30 बजे जशपुर के सरना एथनिक रिसोर्ट चाय बागान में पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद वे ग्राम गम्हरिया में धान खरीदी केंद्र और गौठान का निरीक्षण करेंगे। दोपहर 1:30 बजे सीएम सोगड़ा आश्रम पहुंचेंगे। शाम 4 बजे सीएम भूपेश बिलासपुर के लाल बहादुर शास्त्री स्कूल में आयोजित 43वें राउत नाच महोत्सव में शामिल होंगे। उनके साथ गृह मंत्री और संस्कृति मंत्री भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम के बाद सभी रायपुर वापस आएंगे। रायपुर से खबर, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जशपुर और बिलासपुर के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री सुबह 11:30 बजे जशपुर के सरना एथनिक रिसोर्ट के चाय बागान में पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं और उसके बाद वे ग्राम गम्हरिया में धान खरीदी केंद्र और गौठान का निरीक्षण करेंगे। तो दो दौरे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के। पहला दौरा जशपुर का, जहां पर सरना एथनिक रिसोर्ट चाय बागान में पौधारोपण का कार्यक्रम है। वहीं दूसरा दौरा है गम्हरिया का, जहां पर धान खरीदी केंद्र और गौठान का निरीक्षण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बिलासपुर में जाके करेंगे। शैलेंद्र पाठक, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या महत्वपूर्ण जानकारी? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आज लगातार दो दौरे। हाँ, निश्चित रूप से राष्ट्रीय बिलासपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और यहाँ एक जो बहुत बड़ा महोत्सव है राउतनाथ महोत्सव होता है, जो हर साल होता है। 43वां राउतनाथ महोत्सव है। इसमें मुख्यमंत्री ने विशेष तौर पर अपनी सहमति दी है और यहाँ वो 5 बजे करीबन यहाँ वो शामिल होंगे। और जो वहाँ जिस तरीके से एक बड़ा आयोजन है, चूंकि प्रदेश भर का एक बड़ा आयोजन होता है राउतनाथ महोत्सव जो है, तो मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे। लगभग 1 घंटे इस कार्यक्रम में रहेंगे और जो लाल बहादुर शास्त्री स्कूल में जो व्यवस्था की गई है उसके तहत पूरे 100 से ज्यादा नर्तक दल आएंगे राउतनाथ के, वहाँ पर मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री रहेंगे, उनको वहाँ पर जो वो पहनाया जाए खोपड़ी, जो वेशभूषा होती है राउतनाथ की, वो पहनाया जाएगा। और वहाँ पर तमाम जो समाज के लोग हैं, एक बड़ा आयोजन है चूंकि, तो यादव समाज इसमें शामिल है। और पूरे आयोजन को लेकर के भव भजन दो तीन दिन से भयंकर प्रशासन जो है वो लगा हुआ था और आज इसकी मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे 5 बजे। तो निश्चित रूप से जो एक बड़ा आयोजन है और सांस्कृतिक रूप से छत्तीसगढ़, क्योंकि राउतनाथ में आपको छत्तीसगढ़ी संस्कृति से जुड़ा एक मसला है और स्वयं का मुख्यमंत्री का जो वो नेचर है वो छत्तीसगढ़ी संस्कृति को पालने पोसने वाला है। तो ऐसे में एक मुख्यमंत्री के लिए ये जो आयोजन है और ये जो सांस्कृतिक संध्या है, समझ लीजिए छत्तीसगढ़ की परंपरा का जो निर्वहन होगा, तो उसमें एक जो मुख्यमंत्री स्वयं शामिल होंगे, तो एक कच्चा वेशभूषा में वहाँ शामिल होंगे और उसके साथ जो नर्तक दल है उनके साथ शामिल होंगे। और हो सकता है कि वो नाचे भी वहाँ पर, वो राउतनाथ महोत्सव में जो उनका वेशभूषा होती है जिससे की, तो एक बड़ा आयोजन है 5 बजे तक। और वो यहाँ देर तक रुकेंगे यहाँ मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में। ठीक है, लगातार मुख्यमंत्री के दौरे पर शैलेंद्र आप नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। गृह मंत्री